फाइनली गाइस आज आपका भाई मिलने वाला है द वन एंड ओनली ट्रिगर्ड इंसान से। हाँ रुको रुको, मुझे मालूम है आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन बिलीव मी गाइस काफी मजा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ये मेरा पहला फनफेस्ट होने वाला है एंड मैं पहली बार किसी इतने बड़े यूट्यूबर से मिलने वाला हूँ जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है एंड बंदे ने अपने लाफिंग से YouTube पे धमाल मचा रखा है। सो मोबाइल का रिंगटोन साइलेंट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत होती है गाइस एक मेल के जरिए, जहां पे मुझे YouTube इंडिया की तरफ से एक मेल आता है कि आपको ट्रिगर्ड इंसान से लाइव मिलने का मौका मिल रहा है। What? मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने मिर्ची खाई तो मुझे बहुत तीखा लगा एंड हाँ मुझे याद आया कि भाई मैं जिंदा हूँ एंड सच में फाइनली YouTube ने मुझे नोटिस किया है। अरे भाई गॉड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फिर क्या था, बस मैंने अपने दिमाग का गेयर रिवर्ड बैक किया एंड यहाँ पे इनको रिप्लाई करते हुए कहा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे फाइनली 5 साल के बाद हैशटैग के मर्फी की इवेंट में बुला रहे हो एंड वो भी ट्रिगर्ड इंसान से मिलने का मुझे मौका दे रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मेरी आंखों में आंसू आने लगे, गंगा बहने लगी एंड मैं तो क्या ही बोलूं गाइस। एंड 5 सालों के बाद यहाँ पे YouTube इंडिया ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए इनको 21 तोपों की सलामी भी बहुत कम है, तो नहीं देंगे अपन 21 तोपों की सलामी। देन सबसे पहले गाइस जो मुझे YouTube इंडिया की तरफ से मेल आता है वो सिमरन करके आता है, देन यहाँ पे ईशा का मेल आता है, फिर यहाँ पे बोलते गाइस चलो यार ये लोग मेल कर रहे हैं एंड वहाँ पे गाइस और भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिनको मेल किया गया था जिनका मैं मेल आईडी आपको दिखा नहीं सकता हूँ। काश को भी मेल किया था एंड यहाँ पे 8-bit थग जो है उनको भी मेल किया गया था और भी बहुत सारे YouTube क्रिएटर्स थे जिनको मेल किया गया। फिर मुझे यहाँ पे गाइस 80% ट्रस्ट हो गया कि हाँ फाइनली यहाँ पे YouTube ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है, मुझे नोटिस कर लिया है कि भाई ये बंदा भी एग्जिस्ट करता है, कहीं पे कोई किसी कोने में पड़ा है, इसको उठाते हैं। तो फिर क्या था, सीधा एम इंडिकेटर निकाला एंड सर्च किया कैसे पहुंच सकते हैं KBC, ओ सॉरी सॉरी ये खुशी के शब्द थे, BKC। सीधा मैं पहुंच गया BKC में एंड फाइनली यहाँ पे BKC में वो बिल्डिंग ढूंढने लगा जहां पे मुझे गूगल FIFC में जाना था एंड 15 रुपए में BKC पहुंच गया। एंड अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बिकॉज उसके पीछे भी एक फनी स्टोरी है जो कि अगर आप जानोगे गाइस तो हंस हंस के पागल हो जाओगे, बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे ही होते हैं। गूगल FIFC में पहुंचने के बाद यहाँ पे मुझे पता चला कि 1 घंटा में जल्दी आ गया हूँ तो मुझे अभी बाहर वेट करना पड़ेगा। देन यहाँ से गाइस रियल स्टोरी शुरू होती है, मैं फ्लोर पे वेट करता हूँ कि कोई आएगा एंड उनसे मिलेंगे, लेट्स सी क्या होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस एक तो था मेरा। फिर यहाँ पे गाइस मैं सोचता हूँ अगर ट्रिगर्ड इंसान आ जाएगा तो मस्त मैं वीडियो बना लूंगा उसके साथ एंड वो मैं शॉर्ट्स डाल के अपलोड कर दूंगा, मस्त वायरल हो जाएगा। लेकिन गाइस फिर यहाँ पे कुछ समय के बाद मुझे पता चलता है एक और क्रिएटर आया हुआ है जिसके 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं एंड गाइस लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे वो 19 साल का बच्चा है, शॉर्ट्स अपलोड कर रहा है, मंथली अर्निंग 20K प्लस है। उसको देख के जो मुझे मोटिवेशन मिला ना गाइस लिटरली खतरनाक वाला था कि भाई ये बंदे को देखो 19 साल का बच्चा है एंड लिटरली ही इज डूइंग वेरी वेल। देन यहाँ पे गाइस सिलसिला शुरू हो जाता है गेमिंग क्रिएटर्स का एंट्री करने का एंड यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं जिसमें कि गेमिंग गुरु रहते हैं एंड मैक्सटन रहता है। मैक्सटन तो गाइस मुझे लिटरली शॉक कर देता है बिकॉज वो तो लिस्ट में मुझे कहीं दिख भी नहीं रहता कि मैक्सटन भी आने वाला है। तो उसको देखा इस जैसे मैंने देखा भाई हेलो ब्रो कैसे हो भाई, तूने तो मुझे शॉक ही कर दिया एंड पूरे इवेंट में बस मैं इसको यही बोलता रहा तूने तो मुझे शॉक कर दिया एंड तू जो सस्पेंस लेकर आया भाई गलत लेवल का। तो यहाँ पे ईशा ओबरा या फिर सिमरन ने मुझे बोला भी कि भाई इस ये बंदा आने वाला नहीं था तो इसका यहाँ पे स्लॉट चेंज करवा के हम लोग ने इसको यहाँ पे डाला बिकॉज ये मैक्सटन की ख्वाहिश थी, उसको इस इवेंट में आना था। तो भाई लिटरली काफी मजा आया एंड द मैक्सटन वॉज वेरी नाइस गाय एंड काफी मस्त बंदा था गाइस वो। चल झूठा। फिर गाइज यहाँ पे हम लोग बहुत सारे और भी क्रिएटर से मिलते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं था। देन गाइज आई थिंक 1:30 को हम लोग एंट्री करते हैं, ऊपर जाते हैं सीधा गूगल ऑफिस में जहां से मुझे ढकेल के बाहर निकाला गया था कि नहीं अभी आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हो, आपको टाइमिंग के अनुसार यहाँ पे एंट्री करना रहेगा। गाइज हम लोग को YouTube इंडिया की तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं कि कैसे आप YouTube चैनल अपना ग्रो कर सकते हो, क्या कैसे बूस्ट कर सकते हो, ऑडियंस से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजें बताई जाती है। इन सभी के बाद गाइज यहाँ पे हम लोग जाते हैं लंच के लिए जिसमें मुझे मिलता है खाने के लिए बटर बिटर एंड कुछ बड़े लोगों की चीजें जो बड़े लोग को ही नाम याद रहती हैं तो वो सब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। देन यहाँ पे गाइस हम लोग वेट करते हैं कि ट्रिगर्ड इंसान की एंट्री कभी होगी एंड जैसे ही अनाउंस होता है कि ट्रिगर्ड इंसान की एंट्री होने वाली है मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, भाई सच में ट्रिगर्ड इंसान सामने आने वाला है। एंड जैसे ही वो सामने आता है ना गाइस बताऊं कि भाई ट्रिगर्ड इंसान सामने जिसके मोर देन 18+ मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे एंड इसने अपने फनी लाफिंग कैरेक्टर की वजह से पूरा मचा रखा है दहल का यूट्यूब पे। अब हम लोग उसको इतने सीरियस मोड में देखने लगे कि बस उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था,
ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि ये लोग मुझे इतनी सीरियस नजरों से देख रहे हैं, क्या मुझे ये लोग मारने वाले हैं। अब वहाँ पे गाइस हम लोग ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें शेयर की एक दूसरे से, एंड वहाँ पे काफी मजा आया। मैं भी खुद उससे लिटरली बात किया, मैं जितना बात कर रहा था वो भाई सामने से बोल रहा है इतना क्यों क्वेश्चन कर रहा है तू। अरे बस कर, बिकॉज एक मेरी पुरानी और बहुत ही घटिया आदत है क्वेश्चन करने की, तो ये शायद होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस किए उससे, एंड उसने रिप्लाई भी दिया हर एक क्वेश्चंस का काफी अच्छे तरीके से, एंड बंदा बहुत सही था। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी गाइज मेरे पास, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को अलाउड नहीं था कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड ऐसा मैं कुछ भी करता तो नेक्स्ट टाइम गाइज मुझे बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं किया जाता, मुझे कचरे में फिर फेंक दिया जाता। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे गाइस आप कुछ क्लिप्स देख सकते हो, आफ्टर दैट इवेंट हम लोगों ने फोटोज क्लिक किए थे एंड मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की थी। अब अगर आप किसी इवेंट्स में जाते हो तो जिस प्लेयर्स को आप जानते हो, जिस क्रिएटर्स को जानते हो, अगर आप उनसे नहीं मिलते हो तो मतलब क्या होता है यार उस इवेंट में जाके। तो जिस प्लेयर्स को मैं जानता था, जिस क्रिएटर्स को जानता था, जैसे कि मैक्सन हो गया, काशवी हो गई, और ट्रिगर्ड इंसान को तो कोई नहीं जानता है, तो इन सबसे तो मैं मिला गाइस। एंड और भी क्रिएटर थे जैसे कि गेमिंग गुरु हो गए, ऋषभ, एंड बहुत सारे क्रिएटर्स थे, इनसे भी मिलकर काफी मजा आया एंड काफी इंजॉय किया गाइस हम लोगों ने। देन यहाँ पे गाइस हम कुछ क्रिएटर्स साथ में मिलकर आदि पुरुष के ऊपर एक शॉर्ट वीडियोस बनाया जो कि काफी फनी था एंड एंटरटेनिंग था। अगर आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसकी शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दूंगा। देन गाइस लास्ट में हम लोग गए वॉशरूम में, एंड अगर आप वॉशरूम में जाओगे तो फोटो क्लिक ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे गाइस मैंने तो वीडियो ही बना दिया। इनके वॉशरूम तो इतने क्लीन थे गाइस कि अगर आप उसको किसी हीरोइन के फेस के साथ कंपेयर करते तो उसकी फेस भी यहाँ पे नहीं दिखती। कुछ भी। लास्ट में गाइस हम लोगों ने स्टाफ के साथ एक आरडीएक्स के ऊपर वीडियो बनाया, पागल हो गया, बट वो अलाउ नहीं किया हमको, फिर वो हमको वहीं पे वीडियो डिलीट करना पड़ा, एंड सबसे मिलके काफी मजा आया गाइस। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पे गाइस मैं एक उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, एक मतलब व्लॉग टाइप बना के, जो कि आप वो स्पेसिफिक वीडियोस देख पाओगे जहाँ पे गाइस मैंने क्या क्या रिकॉर्डिंग की है वो सब आपको दिख जाएगा। तो इतना ही था, एंड आई होप ये वीडियो काफी फनी लगा होगा। आई होप इस वीडियो पे मेरे को 10K व्यूज आएंगे, 1K प्लस तो लाइक आई कर ही दोगे ना यार आप लोग। आखिर कुछ ट्रिगर्ड इंसान के भी तो फॉलोअर्स यहाँ पे आने वाले, हाँ कुछ हो जाएंगे यार।